हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर pb.monline.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। मध्य प्रदेश की ये ऑफिशियल वेबसाइट है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे, आरंभ करने की तिथि 6 जनवरी 2020 से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन करने की तिथि यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 जनवरी 2020 आपका यहाँ पर लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे, ये जो सिम्बॉल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये जो ग्रीन यहाँ पर आपको सिम्बॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप आ जाओगे यहाँ पर ऑफिशियल, जहाँ से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको आगे बढ़ाए इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो रेड आपको दिख रहा होगा पीडीएफ का सिंबल, इस पर आपको क्लिक कर देना है और नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 6 जनवरी से आपका जो है ऑनलाइन आवेदन करने का जो है वो डेट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 जनवरी 2020। ठीक है, यानी 2020 यानी 20 जनवरी 2020 जो है आपकी लास्ट डेट होने वाली है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि यहां पर आपको 25 जनवरी दी गई है। ठीक है, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो 25 जनवरी जो है आपका यहाँ पर लास्ट डेट होने वाला है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको डिफरेंट यहाँ पर शुल्क लगने वाला है, यानी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर लगने वाली है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना होगा। विभागीय शुल्क आपको अलग से लगेगा यहाँ पर 100+, यहाँ पर कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो 600 यहाँ पर आपको अप्लीकेशन का फीस यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जनों के लिए यहाँ पर 250 रुपीज़ का यहाँ पर आपको चालान पे करना है, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी अगर टोटल की बात करेंगे तो 300 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाला है। नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग परीक्षा दिनांक, यहाँ पर एग्जामिनेशन के डेट भी यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। आपका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा वो होगा 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ये डेट आपको नोट डाउन कर लेना है। अभी चल रहा है जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आपको तकरीबन 3 महीने का यानी 90 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग नीचे और बात करेंगे कुछ और डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में तो इसी पीडीएफ में अध्याय नंबर 3 यानी चैप्टर 3 के पेज नंबर 19 में आपको यहाँ पर डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। एक बारी उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, आपकी पात्रता के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे कम से कम 50% अंकों के साथ यानी 50% आपके यहाँ पर अंक होने चाहिए हायर सेकेंडरी यानी CHSL यानी 10+2 में आपके 50 नंबर्स यहाँ पर होने चाहिए, 50% आपको होने चाहिए SC ST या फिर आप अगर निःशक्त जन हो तो आपको यहाँ पर 5% की छूट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50% अंक होना चाहिए आपके 10+2 में, और यहाँ पर आपका DED जो है वो 2 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपके पास में डिप्लोमा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अथवा यानी और में दिया गया है, एक तो आपके पास में ये एलिजिबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है या फिर आपके पास में 50% अंकों के साथ आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए और उसके साथ में आपका BEd हुआ होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की तो कम से कम 55% अंक यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के पहले यानी 2002 तक अगर आपके 45% अंक थे CHSL में और उसके साथ में आपका जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी DED यहाँ पर आपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ही इसको आपको पढ़ लेना है डिटेल में। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, तो इस ग्रुप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, सारा फ्री स्टडी मटेरियल और जितना भी वीडियोज हम लोग अपलोड करें
करेंगे आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। सारी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर करंट अफेयर सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे इस ग्रुप में। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, नीचे आएंगे हम लोग और कुछ बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन होगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर्स के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। ऑफिशियल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 के पेज नंबर 19 में आपको यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जाम यानी परीक्षा का आयोजन या फिर योजना किस तरीके से होगा इसके डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के यहाँ पर आपके 30 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे 30 नंबर के लिए। भाषा 1 यानी लैंग्वेज का आपका यहाँ पर एक एग्जामिनेशन होगा यानी एक पेपर होगा। सेकंड भाषा यानी लैंग्वेज 2 आपका यहाँ पर होगा जो कि होगा 30 नंबर के लिए, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज 1 होगी वो डिफरेंट होगी लैंग्वेज 2 से, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होगा एंड इन्वायरमेंटल स्टडी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके 150 होंगे जो कि होंगे 150 मार्क्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो भाषा 1 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहित पर आधारित होंगे, यानी भाषा 1 जो है आपका जो पूरा पेपर सेट होगा वो भाषा 1 पर होगा और भाषा 2 जो होगा वो पृथक होगी यानी डिफरेंट होगी भाषा 1 से, जो कि आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू में से कोई भी आपको एक भाषा चुनने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपका गणित एंड एनवायरमेंटल से रिलेटेड यहाँ पर आपके सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको रेगुलर मिलने वाली है। रेगुलर वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।